हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अभिषेक राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जल्द से जल्द वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का एक लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा, तो ये सीरीज़ आ गई है और इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो पहले हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है तो टाइगर रिज़र्व, या उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य एवं वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित हुआ? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और जो उत्तराखंड में है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर मैं पिछले 5 या 6 सालों के पेपर्स में देखूँ या और देख लूँ 1-2 साल और, तो उसमें 1-2 बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 11 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार आइलैंड में है। टोटल 94 वन्य जीव अभयारण्य है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत का, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमिस है और वो कहाँ पे है? वो लेह जनपद में है, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, जहाँ पे टाइगर रिजर्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो सबसे बड़ा भारत का कहाँ पे बाघ अभयारण्य है? वो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला बाघ अभयारण्य जो स्थापित हुआ था वो भारत में कहाँ हुआ था? जो पहला बाघ अभयारण्य स्थापित हुआ था वो, उसका नाम है सरिस्का, वो राजस्थान में, वो आज भी है बाघ अभयारण्य और भारत का वो पहला बाघ अभयारण्य था राजस्थान का। राजस्थान का भी पहला हो गया और भारत का भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो ये डेट्स हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 1 या 2 साल क्या पिछले साल के ही पेपर उठा के देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया है कि कब से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट टाइगर की, तो उसका आंसर होगा 1973। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट बोल सकते हैं, तो वो 1992 से शुरुआत की गई। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन तो सब जानते होंगे, मछली की एक प्रजाति है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो 2008 से इनको संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। मेरे वीडियोस में इतने शॉर्ट में वीडियोस बनाता हूँ इसीलिए कि बस जितने इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को कवर कर सकूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में पहली बनी थी और 1988 में दूसरी बनी, उसी पे हमारी वन नीति जो इस समय की है वो 1988 वाली है, तो ये आप याद रखिएगा। और एक बहुत ही कॉमन एरर करते हैं लोग, उनको अभी ये नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपकी, आप लोगों को, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, यानी वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन जीव अभयारण्य बोलते हैं और नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, या राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान ही बोलते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स, डिफरेंस देखते हैं हम लोग कि ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक कैन बी डन हीयर, मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है, कि नेशनल पार्क में हम लोग का पूरी तरीके से मनाही है अपने मवेशियों, जैसे गाय भैंस किसी बकरी किसी को भी नेशनल पार्क में हम चरा नहीं सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में वहाँ के जो निवासी हैं, जो पास के हैं, जो जनजाति लोग हैं, वो अपने रोजी रोटी या अपने खाने पीने के लिए कुछ देर के लिए कुछ एरिया में, वो स्पेसिफिक एरिया में चरा सकते हैं, कहाँ पे? वन्य जीव अभयारण्य में, लेकिन नेशनल पार्क में एकदम प्रतिबंधित है। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता, टोटली प्रोहिबिटेड है,
कोई भी मानव का वहाँ पे आना, वहाँ पे सेटल, जैसे आप लोग जानते हैं ना कि लोग जो जनजाति लोग होते हैं वो वनों में रहते हैं, तो नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में जाके नहीं रह सकते, लेकिन जो वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ तो रहना तो मना ही है, लेकिन आप जा सकते हैं वहाँ पे, घूम सकते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वहाँ पे जो नियम होते हैं बहुत कड़े होते हैं, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा छूट मिल जाती है कहाँ पे, वन्य जीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान के कंपैरिजन में, तुलना में वन्य जीव अभयारण्य में थोड़ी सी छूट मिल जाती है। और नेक्स्ट डिफरेंस है फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, अगर राष्ट्रीय उद्यान कहीं बनने का प्रोजेक्ट बना या किसी एरिया में, तो अगर किसी आदमी की उसमें ज़मीन आती है तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में, तो सरकार उसको पैसा देके हमेशा के लिए सारा चीज़ उसका ख़त्म कर देती है कि अब ये सरकार का पूरा हिस्सा हो जाएगा, इस पे नेशनल राष्ट्रीय उद्यान पूरा उसी का हो जाएगा, भविष्य में वो आदमी अपना नहीं कुछ क्लेम कर सकता है कि वो मेरा ज़मीन है। ठीक है, लेकिन जो वन्य जीव अभयारण्य होता है वहाँ पे पैसा दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन अगर आदमी चाहे तो अपना जो भी है उगाना या जो भी कर सकता है वहाँ जाके कर सकता है वो। ठीक है, और अगला डिफरेंस है कि हाँ, ये डिफरेंस है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, उन्नत करके उसको हम राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को कभी हम नीचे ले जाके या मतलब उसका डाउनग्रेड कर दें तो हम वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप एक दिमाग भर लीजिए या अपने दिमाग में ये चीज़ को एकदम अच्छे से रख लीजिए कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो काफ़ी बड़ा अपने आप में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उससे नीचे आता है, ये चीज़ को अपने दिमाग में रखे रहिए। और जैसे राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें किसी एक मतलब विशेष विशेष जानवर के ऊपर नहीं फोकस किया जाता राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पे हर प्रकार के जानवर रह सकते हैं, लेकिन हम वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक जीव को जीव के नाम से बना सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस था, और ये आप देख सकते हैं कि हर जगह के कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ के कैसे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट में आंसर बताइएगा कि आप जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगली एक और मैं इसकी वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से राज्य में जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में कि वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे हैं, उनका मैं लेके आऊँगा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो कोई भी आपका क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलता रहे। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।